हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए अपनी प्रैक्टिस बैच को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत एनटीपीसी स्टेज सेकेंड के लिए इस वक्त एडवांस मैथ में क्या पढ़ रहे हैं भाई। एलजेब्रा। एलजेब्रा में सबसे पहले मैं आपके एग्जाम के आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ और इसके बाद हम लोग फिर वही काम सारे नए क्वेश्चंस लेके आपके आऊंगा। तो फटाफट सारे लोग पेन और कॉपी जरा उठा लीजिए और हम लोग अपने काम को शुरू कर लिया जाए। चलिए भाई, तो एनटीपीसी मैथ्स और ये अपना है स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड यहां पे हम लोग सेक्शन क्या कर रहे हैं, एलजेब्रा। और एलजेब्रा में अभी तक हम लोगों ने अपनी चार क्लासेस पढ़ लिया है। आज हम लोग अपनी क्लास 5 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि 5वीं क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए कौन कौन से सवाल लेके आए। आप सबको आज बहुत मजा आएगा। आपके एग्जाम के आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं और आप उनको देखिएगा, मेरे साथ सॉल्व करिए, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को जरा लाइक कर देना, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस चीज को पहुंचाइए, को आराम से घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कर सकें। सब लोग रिलैक्स, शुरू करो। चलो भाई, हमने पिछली क्लास में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस किया, तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग एलजेब्रा के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 29 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, हमें सॉल्व करना है क्या। यहाँ लिखा है कि यदि P इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू -3, तो हमें फाइंड करना है P स्क्वायर Q माइनस P Q स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा प्रश्न है आप सभी के लिए, और ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सिंप्लीफाई करें जरा ये समझिए। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था, देखो P की वैल्यू हमें पता है, बोलो भाई Q की वैल्यू पता है, तो सीधे वैल्यूज को क्या करना है, पुट कर देना है। अब इतना आसान सवाल तो मुश्किल से आएगा, बट आया तो था। चलो मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। सो क्वेश्चन मार्क बराबर, बताओ P की वैल्यू कितनी भाई है, 2 है, और यहाँ 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12। कहो तो मैं डायरेक्टली -12 लिख दू, माइनस। डियर स्टूडेंट्स, क्यू का माइन माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। तो 3 3 9, 9 2 18। अब आप बड़े मजे से कह सकते हो आंसर कितना आएगा, -30। यही आपका आंसर है, समझ पाए हैं। तो आप सब लोग इसे सॉल्व कर लो, मैं आपके लिए फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ। क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई, एक एक सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। हमने पहले आपके लिए एडवांस ही ले रखा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 30 अपनी क्लास का 30वां सवाल देखता हूं कि क्या है। लिखा है कि सरल करें, यानी सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग नंबर्स को। क्या है ये, ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए की पावर -3 इंटू ए पावर बाई 7 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो ये घातांक पर आधारित कितना प्यारा सा प्रश्न है, बोलो है ना भाई। अगर ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, मेरी बात सुनो। आपको रूल सिखाया हूं कि ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर -m, याद आया आप सबको। बस इसी रूल का प्रयोग कीजिए। अब बताओ अगर इस सेक्शन को मैं पहले सॉल्व करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 अपॉन ए की पावर -3 इंटू ए की पावर 7, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब हम इस रूल का प्रयोग करेंगे, तो हमारे रूल में क्या है, पावर में m माइनस n है, तो यह बराबर होगा ए की पावर 4 माइनस -3 इंटू ए की पावर 7, बोलिए होगा। देखो माइनस माइनस प्लस, सो डियर स्टूडेंट्स ए की पावर 7 इंटू ए की पावर 7, आपको रूल याद है कौन सा, जब आप पढ़ते थे ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n। बस इसी रूल का प्रयोग कर दो। अब इस साथ साथ दोनों नंबर आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, तो ए की पावर 14, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या समझ में आ गया आपके, तो जल्द से जल्द आप लोग सॉल्व करिए, मैं आपका अगला क्वेश्चन कराऊंगा। और हाँ
अगर किसी के बेसिक रूल्स नहीं पता है तो एलजेब्रा का जो क्लास 1 था, वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पे सारे बेसिक रूल्स हमने सिखाए हैं, आप उनको देख लीजिए। और अगर आपको याद है तो टेंशन की बात ही नहीं, आगे बढ़ते रहिए। चलिए भाई, तो हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। और आप सब लोग बताइए, तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? जरा कमेंट करके सब बताते रहिए भाई, तभी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। और आप प्रैक्टिस की तो बिल्कुल चिंता मत करिए, पूरी की पूरी मैथ की प्रैक्टिस मैं इस पे आपको कराऊंगा। एनटीपीसी वालों, इस बार रेलवे पार करना आपको, बस मेरे साथ आप रेगुलर रहिए क्लास में। एक एक सेक्शन लेके हम पहले करा रहे हैं आपका, एक एक टॉपिक सारा, वो चाहे एडवांस होगा, चाहे अर्थमेटिक का सेक्शन आएगा, या स्टैटिस्टिक्स आपके यहाँ एलिमेंट्री है उसकी चर्चा मैं करूंगा। इसके बाद फिर हम कंबाइंड क्वेश्चंस भी आप ले लेंगे, टेस्ट सीरीज बना बना करके आपके लिए। बस आप लोग पढ़िए और जरा उन तमाम जरूरतमंदों तक भी पहुंचाइए जो किसी भी कारण से ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ पाते या नहीं आ पा रहे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर हम 31 लेते हैं। अगर मैं अपने मित्रों के लिए क्वेश्चन नंबर 31 लूँ, तो 31 में देखो लिखा है, कितना इजी सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस वाई से, क्या आएगा? चलिए भाई, अब देखो जैसे ये प्रश्न आपके पास आ गया तो आपको लगेगा कि अरे इतना छोटा सा प्रश्न, जी हाँ बिल्कुल आपकी परीक्षा में तो आया। अब इसमें से आप लोग हमें बता दो कि जब आप पढ़ते थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बोलो भाई एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे में एक्स प्लस वाई होता है, बटे क्या है, एक्स माइनस वाई। आपको तो पता है ना, जो आया है वो जाएगा, तो रह क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई, और यही आपका आंसर है भाई। समझ में आ गया सबके? ठीक है मेरे मित्रों, फटाफट कॉपी करो, आगे बढ़ते रहें, जरा जोश और उत्साह से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि उत्साह से आगे बढ़ना ही जिंदगी है। ठीक है, जल्दी कीजिए, सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। अब मैं अगर आपके इस 32 नंबर क्वेश्चन को लूंगा तो देखता हूं कि 32वां सवाल क्या कहता है। 32 नंबर पे एक प्यारा सा प्रश्न लिखा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो ए बी क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको ए बी, तो आप सभी लोगों को पता है कि मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं इसे कर दूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 2ab क्या होगा, बैलेंस बराबर रहेगा, तो ये बराबर निश्चित तौर पर लिख सकते हो ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आपका टारगेट क्या था, ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो भाई ए माइनस बी आपको पहले से पता है कितना है, वो 4, तो यहाँ पे 4 का डायरेक्ट स्क्वायर लिखो, तो 4 चौक 16 प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हमें दिया भाई, 80, तो यहाँ पे 80 लिख लीजिए। अब इस 16 का इधर पक्षांतर कीजिएगा, मुझे बताइए कि 2ab बराबर कितना आ जाएगा, 64, 64, तो अगर इसे काट दोगे तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू 32 है और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है आपको, समझ गए हैं? ठीक है, जल्दी कीजिए सब लोग, हो गया सबका। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, तो अपनी क्लास का 35वां सवाल अब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कुछ यूं है, सिंपल सा प्रश्न, यहां पे ये लिखा गया
यदि 4(3x-2) इज इक्वल टू 2 में है 3x प्लस 8, तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करना है, बहुत ही सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ भी नहीं करना आपको। तो चलो भाई सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तैयार हैं सब लोग? बहुत अच्छे। तो 4 के अंदर आप मल्टीप्लाई करा दो, तो जब ये 4 अंदर जाएगा तो बोलो 4 3 कितना होगा, 12x-, 4 2 8 बराबर 2 3 6x प्लस 8 2 16। कोई डाउट नहीं, किसी को होना भी नहीं चाहिए। इस 6x को इधर लाया जाए, -8 का इधर ट्रांसफर कर दिया जाए। मुझे बताओ कि 12x में से जब +6x घट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 6x बराबर। आपने ये पढ़ा है कि जब माइनस इस साइड जाएगा तो माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 16 में 8 जोड़ दोगे तो 24, बोलो 6 चौक 24, तो यक्स की वैल्यू 4, ये आपका आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो सारे लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, तब मैं आपके लिए अगले सवाल पर पढ़ूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वेरी गुड। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 34 लेता हूं भाई, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगला सवाल बताने में। 34, अब देखता हूं कि 34 आपके लिए क्या पूछ लिया एनटीपीसी ने, उस क्वेश्चन के बारे में फिर हम लोग साथ साथ मिलकर डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यूं है, यहां पे लिखा है कि यदि ए प्लस 2b इज इक्वल टू 55 यानी 55, और ए माइनस 2b इज इक्वल टू -13, तो हम लोगों को v की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर v की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया। देखिए कैसे करेंगे हम, इक्वेशन पहला भी दिया दूसरा भी इक्वेशन दिया, मतलब इतना आसान सा सवाल इन्होंने पूछा तो हम लोग उतना ही आसान जवाब दे देंगे। बताओ अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 2b+2b- कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए ए मिलके क्या होगा, 2a इज इक्वल टू, यहां से इसको घटा लोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा और ये 4 होगा। बोलो a बराबर कितना आएगा, 21। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर a की वैल्यू 21 आ गई तो हम किसी भी समीकरण का प्रयोग करेंगे, हमें v की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखिए भाई यहां से लिख सकते हो कि 21+2b इज इक्वल टू कितने के, 55। आप इस 21 के इधर ट्रांसफर कर दो, मुझे ये बताइएगा कि 2b बराबर कितना लिखोगे, तो 4 आपके पास आ जाएगा और ये 3, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 17। बोले भाई सबके समझ में आ रहा, आराम से मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मजा आने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि सवाल समझ में आना चाहिए, बाकी मजा नहीं, आपको जमा पे भरोसा करना चूंकि आपको सिलेक्शन लेना है। मेरे सुर भी हो गया हो तो मैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ और देखता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या होगा। तैयार हो सब लोग? चलो फटाफट 35वां सवाल करेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका ये है कि इन्होंने लिखा है कि y, फिर ब्रैकेट के अंदर y की पावर 4 माइनस y स्क्वायर माइनस y क्या होगा, तब जबकि यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू 5 दी गई है। मतलब आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ करके बता दिया इन्होंने, एक इक्वेशन दे दिया और उस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू इन्होंने खुद ही बता दी कितनी है, वो 5 है। फिर हमें सॉल्व करने में क्या जाता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, y बराबर पता है। देखो y जहां जहां नजर आए कितना लिखोगे, 5, तो यहाँ 5 मैंने लिख दिया। मैं आप सबसे एक बात पूछता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, 5 की पावर 4
-5 की पावर 2 -5। इसे और सिंप्लीफाई करिए, 5। भाई 5 की पावर 4 कितना होगा बोलिए। 5 25 25 25 125 25 625 -5 का 5 25 25 और -5। ठीक, आगे बढ़ो। देखो ये हो जाएगा 5, इसे लिखो 625 माइनस, ये दोनों को नेगेटिव नंबर है, इन्हें जोड़ दो तो 30 होगा डिस्टेंस, बराबर 5 गुणे 625 में से 30 घटाओगे तो 595 बोलो बचेगा या सर नो, यही बचेगा भाई। तो 5 का मल्टीप्लाई कीजिए ना, बोलो 5 25 25 कैरी 2 होगा, 5 9 45 2 47 कैरी 4 होगा, 5 25 25 4 2975, यही आपका आंसर है। क्लियर है? ठीक है, जल्दी करिए आप लोग, फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ। हो गया सबका कॉपी? चलिए भाई, अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले, क्वेश्चन नंबर 36। छत्तीस नंबर का प्रश्न देखता हूं कि आपके लिए क्या लिखा गया। ये तो बहुत और आसान, तो रेलवे ने इसको पूछ दिया कि ए माइनस 4 के क्यूब का विस्तार लिखिए। अब ए माइनस बी के क्यूब का विस्तार कौन नहीं जानता आप में से, हर किसी को पता है। क्या पता है जरा एक बार बोलोगे सब लोग? बोलो तो, ए माइनस बी के क्यूब का क्या फार्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप लोग बताओ, ए की जगह पर कौन है भाई? ए, बट बी की जगह पर कौन है? 4 है। तो मैं अब आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, केवल मुझे विस्तार लिखना है। बताओ, ए क्यूब तो हम क्या लिखेंगे? ए क्यूब ही लिखेंगे माइनस बी। बी की जगह कितना पुट करोगे? 4। 4 का क्या क्यूब? बोलो 4 चौक 16 चौक 64, समझ आ रहा है? -3 इंटू डिस्टेंस, देखो ए बी तो ये हो जाएगा 3 4 12, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू ए इंटू 4 लिख सकते हो, ब्रैकेट में क्या होगा? ए -4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, जो भी समान पद हो, तो यहां से आपके पास होगा ए का क्यूब -64 माइनस, मैं ये 3 4 12 होगा, 12 के अंदर गुणा करा देता हूं। बोलो 4 3 12 और ए ए मिलके क्या होगा? ए स्क्वायर, तो -12 ए स्क्वायर। डिस्टेंस, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या होगा? प्लस। देखो 4 3 12 12 चौक 48 48 ए, और यही आपका आंसर है। कोई डाउट तो नहीं आप सबको? चलिए अच्छी बात है, तो इसे सॉल्व करिए। हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सभी लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए और आराम से आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑफलाइन की क्लास की जैसी क्लास को आराम से कर पा रहे हैं, हम इसीलिए आराम से और स्लो चल रहे हैं ताकि आप अच्छे से बातों को भी समझ जाएं। स्पीड तो अपने हाथ में है, बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो स्पीड तो फटाफट आ जाती है। और क्वेश्चन नंबर 37, तो अपनी क्लास का 37वां सवाल अब सॉल्व किया जाएगा। लिखा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा? यही आपका क्वेश्चन है। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पता है, ए बी बी सी सी ए पता करना है। क्या आपको कोई फार्मूला याद आया? अरे आना चाहिए भाई, कौन सा आपको पढ़ाया हूं,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, बोलो क्या पढ़े हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बोलो यस आर नो। तो डियर फ्रेंड्स आपको ए बी बी सी सी ए चाहिए, मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट फार्मूले का ही पक्षांतर कर लिया जाए, तब सीधे क्वेश्चन में वैल्यू को पुट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो ए प्लस बी प्लस सी हमें पहले से पता है कि भाई 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है कि 14 है, तो आंसर तो हमारे पास ही है। तो मैं पूछता हूँ कि क्या मैं इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल अपॉन 2 ए। कोई दिक्कत तो नहीं आपको, बताइएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 6, तो इसका स्क्वायर कितना होगा बोलो, 36 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना भाई, 14, और टोटल बटे 2 होगा। अब आपको ये पता है कि यहाँ से 2 यहाँ से 2 22, ए बचेगा ना भाई 2, हाँ 3 2 बटे 2, करेक्ट आंसर कितना आ गया, 11, यही आपका उत्तर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, यदि हाँ है तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए और जरा बैठे बैठे वीडियो को भी शेयर करते रहिए, ठीक है, और लाइक कमेंट तो बिल्कुल नहीं भूलिए। खैर वैसे भी आप लोग करते रहते हो भाई, मैं बीच बीच में याद दिला देता हूँ क्योंकि कभी कभार आप लोग थोड़ा भूल जाते हो भाई, और मैथ के साथ साथ बाकी सेक्शन पर भी फोकस किए रहिए। मैथ में किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुपों पे है, तो जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं लिंक देता हूँ, आपको बताता भी हूँ, आप वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मैटर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें आप बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हम आपको बताने जा रहे हैं फिलहाल 38वां सवाल। यहाँ पर लिखा है कि यदि 22x माइनस 40 इज इक्वल टू 207 प्लस 3x तो x क्या होगा। अब देखो ना फिर छोटा सा प्रश्न आ गया, छोटा रिचार्ज फुल टॉक टाइम, तो छोटा रिचार्ज फुल टॉक टाइम है तो क्या करोगे फ्रेंड्स, बोलो ना यार। तो आप लोग यही बोलो कि 22x है और ये 3x है, तो इसका इधर बोलो पक्षांतर कर सकते हो आप लोग, -40 को इस साइड लेकर के चले जाओ। मुझे बताओगे सारे लोग कि 22x से अगर 3x को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 19x बराबर। देखो भैया 207 प्लस है, -40 उधर जाके क्या होगा प्लस, तो कितना लिख सकते हैं आप लोग, 247, बोलो 19 का पहाड़ा आता है आपको, तो ठीक है अगर आता है तो शुरू हो जा, 19 एकन्नम 19 5 24 57, बोलो 19 57, सो यक्स की वैल्यू 13, यही आपका आंसर है, समझ पाए आप लोग, ठीक है तो जरा सॉल्व करिए तो फटाफट। मैं अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 39 लूंगा, 39वां सवाल। 39वें में कुछ चीजें दी गई हैं, क्या दिया है मैं लिख देता हूं, दिया है क्या क्या दिया है कि बराबर -3 m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू -4। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है m इंटू k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यह क्या हो जाएगा। अब देखो इस सवाल में तो कम से कम टेंशन नहीं होनी चाहिए आप सबको कि कितने आराम से कर सकते हो आप, कैसे करोगे सब पता है, बस इसमें ये समझो कि आपकी रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, पड़ोसी ने अपने पैसे से रसगुल्ला खरीदा भाई और अपने हाथ से आपके मुंह में डाल दिया, कैसा लगा बोलो बोलो। अच्छा ये सवाल वैसा ही है, देखता हूँ। अब यहाँ देखो कि पता है?